सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी आर नाउ पेरेंट ऑफ थ्री न्यू. हिंदुस्तान टाइम्स से मुझे ऑफर आई थी दैट दे वांटेड टू कंडक्ट फ्यू वर्कशॉप विद स्कूल स्टूडेंट्स. तो भी एक बार गमले में पॉटी कर दियो. छी, क्या बातें करते हो. गौर से देखिए ये हथियारे को. हाय गाइस, वेलकम बैक. तो आज सुबह से मैं बाहर थी एंड देन हु जॉइन मी, आदित्य. तो यस, आई वॉज इन एम्स. मेरा कुछ काम था तो मैं वहाँ गई हुई थी. आई हैड फ्यू मीटिंग्स विद द डॉक्टर एंड विद रिगार्ड्स टू माई बर्थ. ये फोकस ही नहीं कर रहा. सो आई हैड अ मीटिंग विद अ डॉक्टर विद रिगार्ड्स टू माई बर्थ एडुकेटर कोर्स एंड वो अच्छी गई एंड देर इज़ अ वर्कशॉप कमिंग. तो उसके बारे में थोड़ी डिटेल्स और वो सब कर रही थी. हाँ, एंड देन वी मेट. अब हम जा रहे हैं कहीं और, मुझे थोड़ा सा और काम है. सो यस, आई हैव गिवन अप, लाइक डन विथ माई एग्जाम. ये व्लॉग पहले आएगा. इनफैक्ट मेरे एग्जाम जिस दिन लिंक आया था वो व्लॉग ना मुझे मिल नहीं रहा, तो वो एक दो दिन के बाद आएगा. देयर इज कन्फ्यूजन, पर जो भी अपडेट्स हैं मैं सारी डालूंगी क्योंकि मैंने व्लॉग की थी, पर मुझे हमें वो मिल नहीं रही है फुटेज, है ना. ऐसे ही कुछ है. सो वो व्लॉग एक्चुअली क्या है, डिलीट हो गई है, उसको हो ना रिकवर अभी पूरी नहीं हुई है, तो मैं उसका जुगाड़ लगा रहा हूँ. तो ऐसे करके दो व्लॉग स्प्लिट हो गए. आई एम सो सॉरी फॉर दैट. मैं रुकना नहीं चाहती थी, मैं चाहती थी कि कंसिस्टेंसी रहे, क्योंकि आई एम नॉट वेरी कंसिस्टेंट, बट यस आई एम लिटिल बिट कंसिस्टेंट, क्योंकि बहुत सारा काम होता है पीछे से एंड दीस डेज आई एम रियली ऑक्यूपाइड विद द लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वर्क. यस, बहुत ज़्यादा ही, थोड़ा कुछ ज़्यादा ही काम है. तो ठीक है, बट जितना बिजी रहे उतना अच्छा है. आई एम रियली वेरी हैप्पी कि आई हैव कम्प्लीटेड माई कोर्स, द बर्थ एडुकेशन कोर्स. अब सिर्फ मुझे वेट करना है फॉर द सर्टिफिकेशन, तो वो जल्दी ही मिल जाएगा. मेरे फर्स्ट सेशन में मेरे को 100 मिले, 100% करेक्ट था. सेकेंड वाले में 88% था. पता नहीं मैंने MCQs में क्या गलती की. अब थर्ड था ऐसे टाइप क्वेश्चंस जहाँ पर ज्यादा करके प्रैक्टिकल नॉलेज यूज थी. पता है, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं थे कि आपको लिखो 10 पॉइंट ऐसे, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग के इम्पोर्टेंस लिखो, ये सब नहीं था. ऐसी सिचुएशन दी गई थी कि आप ऐसा अगर कुछ होगा तो आप कैसे सिखाओगे. तो वो बड़ा टैक्की, मतलब ट्रिकी था, प्रैक्टिकल वाला किया था. मतलब ऐसा नहीं, वो मैंने सोचा था कि उस टाइप के होंगे क्वेश्चंस, बट ये डिफरेंट था बहुत. बट ठीक है, कंप्लीट कर लिया मैंने. सो आई एम रियली वेरी हैप्पी कि मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया है. नाउ आई हैव टू जस्ट, एंड प्री कंसेप्शन वर्कशॉप आ रही है. इन केस इफ यू वांट टू एनरोल, आप मुझे मैसेज कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम और ईमेल कर सकते हो, ताकि मैं आपको फर्दर प्रोसीजर उसका भी बताऊं. एंड यस, तो फिर यही काम का अपडेट है. आज मौसम बहुत अच्छा है, पता नहीं क्या हुआ बट मौसम बहुत अच्छा है. मुझे सुबह से डर था कि बारिश ना हो जाए, बट नहीं हुई. बट मौसम बहुत प्लेजेंट है, बट मिट्टी बहुत उड़ रही है. बारिश हो जाएगी तो फिर मिट्टी सेटल हो जाएगी. आज मुझे अपना एम्स का ऑफिस देख के, मतलब मेरा ओल्ड ऑफिस भी मैंने देखा और मुझे इतनी याद आ रही है यार, मैं किस टाइम पे यहाँ काम करती थी और यहाँ आती थी रोज, मतलब. फिर मैं इसके बाद सेकेंड जो मैंने एम्स में फिर से सेकेंड जॉब की थी, तो उसमें मैं GTB जाती थी, फिर मैं यहाँ नहीं आती थी, फिर मैं यहाँ से वहाँ पोस्टेड थी, तो मेरा रोज GTB जाना होता था, GTB हॉस्पिटल. या मैं किस दिन आती थी, जिस दिन कोई कॉन्फ्रेंस हो या मीटिंग्स हो तब मैं यहाँ आती थी. एंड दैट टाइम आई यूज्ड टू नेवर पुट ऑल दीज थिंग्स ऑन इंस्टाग्राम, है ना. उसी में आई वॉज नॉट सो एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम. मतलब यार क्या है, उस समय एक्टिव होना चाहिए था आई थिंक, बट नहीं थी. तो चलो, बट ठीक है. आई डिड नॉट मीट माई फ्रेंड, और वो मुझे इस बात के बारे में, अगर उसने ये व्लॉग देखा या उसने मुझे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे देखा, तो ही शाउट एट मी. बट वहाँ में तेरे भी रोजे चल रहे थे, तो इसलिए मैं नहीं मिली, क्योंकि हम फिर साथ में मतलब कहीं बैठ भी नहीं सकते. फ्राइडे को ईद है, कल ईद है, पता है. कल ईद नहीं है, सॉरी, कल नेक्स्ट फ्राइडे ईद है, सॉरी 29 को. तो तुम्हारी छुट्टी तो नहीं है. हमारी, मेरी छुट्टी नहीं होगी, लेकिन उस दिन रश कम मिलेगा. मैं बहुत सारे बच्चू है उस ऑटो में एंड मैं हाय कर रही हूँ, और वो एक दूसरे को बोल रहे हैं हंसते हंसते कि गाड़ी में देखो, गाड़ी में.
सो यस आज ठीक है, आई हैव स्टार्टेड विद लॉट्स ऑफ वर्क. मतलब अब बर्थ एडुकेटर का जब कोर्स खत्म हो गया, मैं वेट ही कर रही थी सो दैट आई मैंने अपने टूल्स बनाने शुरू किए थे. मैंने दिखाए भी थे आपको शायद, कि पता नहीं नहीं दिखाए तो मैं दिखा दूंगी, बट मैंने टूल्स बनाने शुरू किए थे. बट फिर मैंने बीच में मतलब एक आधा बनाया जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं. बट नाउ आई एम सिटिंग एंड वर्किंग विथ माई इलस्ट्रेटर, लाइक हेड टू टो बैठ के सारा काम देना, एंड देन शी इज गेटिंग इट डन. तो बहुत अच्छा लग रहा है. अदर टीम विच आई हैड वॉज नॉट सो गुड, है ना. वी हैड हायर्ड अ टीम बट It worked and went well. मैंने चार पांच ब्लॉग पहले हमने यही बोला था नया काम शुरू करने, बट तो कभी कभार आप यू फेस अ नॉट अ फेलियर आई वुड से, बट समटाइम्स ऐसे भी हो जाता है कि कुछ टाइम ना आप फंस जाते हो. तो वैसे वाला टाइम आ गया था, बट आई वाज टोटली पिस्ड बिकॉज My work is updated, like you know, on time and बहुत sequence wise चलता है. I want an update. And मुझे अगर वैसा काम नहीं मिला कि कल कर रहे हैं, हो रहा है, this is not the way to work with me. तो वही चीज़ है. And it was so bogus. मतलब इतना गंदा caption लिखना and all. Oh my God, but I wasted a lot of money. जिसकी वजह से मुझे बहुत pinch हो रहा है. And I took it as challenge कि मैं कोई बात नहीं, Now I'll work more hard. तो कभी कभार ऐसे भी डॉल म्यूजियम यहाँ हम आए हुए हैं, तो ऐसे भी टाइम आता है एंड यू रियली डोंट फील गुड. तो ठीक है, आप चलते हैं अपने दूसरे काम के लिए एंड देन वील गो होम. बट आज मौसम बहुत अच्छा है. अगर आप तो ये बाद में देखोगे, बट जब तक आप देखोगे तब तक ये मौसम चला गया होगा. बट मौसम बहुत अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा है यार. टाको बेल इधर इतना बड़ा ऑफिस होगा ना यार. यहाँ ही था ना आदित्य वो ऑफिस. कौन सा? हिंदुस्तान टाइम्स वाला? नहीं, यहाँ नहीं था. वो ऐसी पुरानी वाली जगह थी. ऐसी पुरानी वाली जगह पता 2013 में मैं कल याद कर रही थी, तब सोशल मीडिया इतना पास था. तब सोशल मीडिया ना इतना नहीं था, मतलब था बट इट वॉज जस्ट पिकिंग अप. And I was working as a health educator with PHFI, Public Health Foundation of India. और मैं seriously बता रही हूँ, मैंने इतनी बड़ी stupid गलती की है. I got a ये क्या बोलते हैं, I got a offer. हिंदुस्तान टाइम्स से मुझे offer आई थी that they wanted to conduct few workshops with school students and they were giving me a very minimal cost. और वो किसी किसी दिन like a freelancing sort of कि किसी किसी दिन वो मुझे बुलाएंगे फॉर टू कंडक्ट. बट दैट टाइम आई वॉज वर्किंग फुल फ्लेज्ड. आई शुड हैव टेकन दैट ऑफ राइट, बट उस समय नॉलेज नहीं थी, पता नहीं था एंड आई डिड नॉट डू इट. क्योंकि मेरी जॉब थी फुल फ्लेज, बट मैं किसी एक दिन छुट्टी लेके जुगाड़ करा के कर सकती थी, बट मैंने नहीं किया. मुझे इतना उस बात का गुस्सा आता है ना, इतना गुस्सा आता है कि मैंने उस समय क्यों नहीं बोलिया. दैट टाइम सोशल मीडिया वॉज जस्ट पिकिंग अप. But anyways, था वो ऐसा टाइम भी when I got a good offer. I went to their office, है ना. हम लोग गए थे ना उनके ऑफिस में. हाँ मुझे याद है, कुछ फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर पे ऑफिस था. Okay, I got a call. तो यार मुझे सच में लग रहा है कि मैं हिंदुस्तान टाइम्स तभी काश. अरे तो बाहर लग रहा है बारिश होने वाली है अच्छी खासी. So after few hours हम लोग अभी प्लांट लेने जा रहे हैं. वैसे इस बार हमने बकायदा दो प्लांट मारे, ज्यादा प्लांट नहीं मारे. नहीं, ये बहुत अच्छा प्रोग्रेस है. आई नो इट्स हार्श बट दैट्स द प्रोग्रेस. दो ही प्लांट से गए हैं और सारे प्लांट बहुत अच्छे से टिके हैं, सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग. अब वो दो प्लांट्स चेंज करेंगे. नोएडा में ना बहुत अच्छी सस्ती नर्सरी है, सो वो दो प्लांट्स चेंज करेंगे और देखती हूँ कोई और प्लांट मिले तो. आई हैव टू बाय फ्यू प्लांट्स, सो लेट्स सी. इंडोर कौन से हैं? सोख है नहीं भैया मेरा दो. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी आर नाउ पेरेंट ऑफ 3 न्यू प्लांट्स. टिल व्हाट एक्सटेंड दे लिव ऑन इटर्निटी. नहीं नहीं, हम इसको जिंदा रखेंगे. नहीं, मैंने सारे प्लांट्स जिंदा रखे हैं पिछले साल, सिर्फ 3 ही, 2 गए. बट आई एम सॉरी, बट मैं अभी इस बात को कोशिश करूंगी. राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आर यू अ प्लांट किलर और नर्चरर.
गौर से देखिए ये हथियारे को। नहीं अच्छा, तुम तुम्हारा भी घर है, तुमने भी उसकी केयर लेनी होती है। वाह। बट बता आज का दिन ना यार, ये कितना सारा बोगनविला है, बोगनविला ही है, मुझे बोगनविला लगाना है अपने घर, इतना बड़ा पॉट लाके ना, धूप चाहिए ना। बोगनविला तो कहीं पर भी लगता है, बोगनविला जब यहाँ पर गंदगी में रहता है तो मेरे घर पे रह ही सकता है। हाँ। धूप अनलिमिटेड आती है, ये कोई बात नहीं है। जहाँ पर ना देखे, जहाँ पर सुसु पॉटी और नाले होते हैं ना, वहाँ पर प्लांट रहते हैं, क्योंकि उनको ऑर्गेनिक खाद मिलती है। तो भी एक बार गमले में पॉटी कर दियो। छी, क्या बातें करती हूँ। मेरा सपना तो मैं गाड़ी में एक दिन उल्टी करने का, जिस तरह से तुम गाड़ी चलाते हो ना। अभी गाड़ी चलाते मतलब क्या चलाई है गाड़ी? नहीं मतलब अभी तो ये प्लांट बड़े हैं इसलिए तुम नहीं चला रहे। नहीं तो ऐसे कौन से चलाते हो? अभी तो मस्ती कर रहे थे, जब मेरा वो मोबाइल गिरा था तब तुमने जान बूझ कर के ज्यादा रेस दी ताकि मैं टक्कर लगे या वो मोबाइल का मैं उठा ना सकूं। अभी तुमने ये किया है, उस समय ना मेरे को ऐसा प्यूकेश लगना चाहिए, इधर वॉमिट होनी चाहिए, तो क्या होगा? फिर मजा आएगा। अरे ये बैटरी लो और ये यार चलो अभी घर जाके बात करेंगे, क्योंकि मुझे एक फोटो खींचना है, तो फिर वो खींच के हम घर जाएंगे, फिर हम आधा घंटा रेस्ट करके, एक घंटा रेस्ट करके देन वी विल गो फॉर आवर एक्सरसाइज। हाय गाइस, वेलकम बैक। हम कल ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज घर आए थे, और आज सुबह क्लब नीचे वॉक और एक्सरसाइज के लिए भी नहीं गए क्योंकि कल रात को नींद इतनी बार खुली है। बट वी मेक इट अप इन द इवनिंग, बट नींद इतनी बार खुली है ना, बहुत साउंड स्लीप आई नहीं क्योंकि कल इतनी आंधी चली, हमारा एक गया पोछा नहीं है कल इतनी आंधी चली है ना, उसकी वजह से लाइट बहुत बार गई, आती जाती ही रही है। सो वी गॉट न्यू प्लांट, सो दीज आर द थ्री आई वॉन्टेड, दिस फेडर लीफ, ये पाम है, और ये मुझे पता नहीं ये, फिर ये जो मेरे प्लांट्स बाहर हैं मुझे इन्हें भी अंदर लाना है, मुझे उसके लिए सिर्फ एक पॉट लाना है। और ये कल ही शिखा ने धोई थी बट सब खराब हो गया जस्ट बिकॉज अंशिखा इज ऑफ फॉर 2 days। तो अभी खाना वाना बन रहा है, आई एम मेकिंग बैम्बिनो और साथ में ये भिंडी चढ़ाई हुई है। और आदित्य जी, आदित्य देख रहा था कि मेरा कब लेगी, मैं आवाज आती है ना पानी की। अरे नहीं, अरे बैटरी लो है। चलो गाइस, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस व्लॉग, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बटन लाइक एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर एंड मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।